गुड मॉर्निंग सैटरडे। आदि ये है करने वाला इंसान सुबह उठ के दो बार कपड़े बदलवा चुका है, कुछ किसको ऐसे थोड़ा सा दूध वूध दो फिर ये उल्टी कर देता है। अभी ए हे कर रहा है, थोड़ी देर सोया था, इसके पास फोन बज गया, इतनी कच्ची नींद उठ गया। हमने इतनी सारी लिस्ट बनाई हुई थी कि आज हम बड़े सारे काम करेंगे, वीकेंड आ गया, बहुत सारे काम निपटा सकते हैं, लिस्ट बना के रखी हुई थी, एक काम नहीं किया, लड़का उठ के बैठ गया। हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म भी नहीं हुआ था, अभी विभव बर्तन उठा रहा है, हमने से पोछा लगा लिया, वापस इसकी उल्टी, वापस कपड़े बदल दिए। क्या तुम शांति सुन रहे हो? ओ ओ तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा था, बेबी का फेस नहीं दिख रहा था, दिखाओ कैसे थुकू थुकू लगा रही है तुमने पूरे मुँह पर, बताओ बताओ कैसे तंग कर रहे हो आप, बताओ। इतनी शांति से लेटने वाली तो कोई बात नहीं है, इतने शांत इंसान तो आप नहीं हो बेबी, हैं? बताओगे नहीं, नहीं बताओगे का? हाँ जी, कौन सा काम निपटा के आया है लिस्ट में से? चलती लू में कपड़े सुखा के आया हूँ। दूसरा चाल है? नहीं तो बता, इस बार हमारे 5 राउंड बनेंगे। पांच राउंड बनेंगे? हाँ। चला दिया जा, बेटा गलगोटियाज में रहने चला। सारा हफ्ता तो हम पिलते ही रहते हैं और वीकेंड पे हम और ज्यादा पिलते हैं। इतने सारे कपड़े, मेरे को समझ नहीं आते हमारे इतने कपड़े होते कैसे। पता है हम रोज कपड़े धोते हैं और हफ्ते के एंड में फिर हम 2-3 राउंड कपड़े धोते हैं। मैंने वो भगवान जाने क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें एक सेकंड का सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। वो जो बीन बैग पे ऐसे ढेर लगा हुआ है ना, वो ऐसे खुल खुल के तय करने वाले नहीं है, वो है वो खुल खुल के जाएंगे और वो ऐसे तय हो रखे। तो हम पता है सारा हफ्ता पिलते ही रहते, सांस लेने का फुर्सत नहीं मिल रही होती हमको। आदि ने नया सीखा है अब यही करता रहता है, सारे मुंह पे अपने थूक लगाता रहता है। जाएंगे जो ये पहनेगा, एल्स कुछ नहीं जाएगा। ये क्या दही टपका रखी है बैग पे तूने यार? अपने दही नहीं है यार, पर कुछ होगा। अरे छी यार, दही है पुरानी। एक काम है पता है, जो हम ना बहुत सारे वीकेंड से लिखे जा रहे हैं और कर नहीं पा रहे, वो है मेरे बैग की ऑयलिंग। बैग नहीं, बैग्स की ऑयलिंग। मेरे पास पता नहीं कितने बैग है, गिनती भी रही है शायद, बहुत सारे बैग्स हैं। इतने और... ज़्यादा नहीं गिनती। नहीं है गिनती। है गिनती। कितनी है? 32-35 होंगे। गिनती कैसे है? जब 32 और 35 में कन्फ्यूजन है तो 32 और 35 दोनों गिनती है। वाह, मतलब मेरे को काउंट नहीं पता। हैप्पी तो मुझे काउंट नहीं पता, पर ना उसकी ऑयलिंग करनी है क्योंकि वरना फिर वो लेदर ना ख़राब हो जाता है। तो आज फाइनली विभव आज बहुत काम कर रहे हैं, आज तो सारे काम वही कर रहे हैं। घर के मतलब कमरे के बाहर निकलते से लगता है लू चल रही है घर में। सबसे बड़ा नुकसान, टॉप फ्लोर कभी मत लेना, बहुत गर्मी होती है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब निकला नहीं जा रहा रूम से बाहर और सारे काम ये बेचारा कर जा रहा है और हम तो यहाँ बैठ के स्कूटर चला रहे हैं। भू 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 आदि भू, देखो कितने सारे बैग्स निकाल के नहीं लाई, 3-4 लेके आई हूँ कि एक ही दिन टॉर्चर नहीं करते लड़के को, है ना। पसीना देखो बेचारा, नहा धो के पसीने में लथपथ, सेवा पे सेवा करते हुए। भगवान ऐसा पति बस मुझे दे। यार उस पर स्टार्ट कर लो, मेरा बैग ना खराब हो जाए। ये सब ये वाला सबसे पुराना बैग है, 10,000 का है वो, सबसे पुराना। पुराने से क्या होता है, 10 का नहीं है वैसे, 14 का है, बट कोई कौन देख रहा है, बट ये पुराना है। हाँ ये 14 का, 6 साल पुराना। हाँ ये पुराना है सबसे। बस यार शाइन करने लग गए तो यार इस पे ना देख गंद निकल रहा है। हम भी ऐसे आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, सब लोग बोलते हैं कि कर लेना चाहिए बैग पे ऑयलिंग, फिर वो सही रहते हैं। लेट्स सी कैसा रहते हैं। तो हमने अमेज़न से एक ऑयल मंगाया था। अच्छा क्यों मंगाया? कह रहे पैसे, हाँ पैसे खराब कर दिए। मेरे पैसे खराब कर दिए क्या है? काम कर रहे हैं, आज हम छुट्टी पे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं ना दी, हम रेस्ट कर रहे हैं, बस पापा पापा काम कर लेते हो। स्ट्रैप्स तो नहीं है हमने इसके? नहीं वो लेदर नहीं है। इसको गिरा, पीछे हो जा, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है चिपकना का सबसे। दूर हो जा मुझसे, अपने हाथ देख के खुश हो। आदि क्या यार, छी 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 छी, अपने हाथ देख के तो आप खुश होने लगा है। हाथ मुंह में डाल लेता हूँ, हाथ मैं भी खा लूं। ओ कोई असर नहीं है। हाँ ये कौन सा बैग है, पीछे से बताओ।
विक्टोरिया सीक्रेट है मुझे पता है, बैगने वाली बात तो ये वॉलेट है जो भी है। ये कब लिया था, ईयर बताओ इसका। हाँ काफी टाइम हो गया यूज किया। इसके अंदर से ये भी नहीं निकले हुए हैं, ये तो छोड़िए, ये भी नहीं उतरा हुआ है। ये 9,360 रुपए का बैग, 5 साल से बैग नहीं है, ये वॉलेट जो भी है। 9,360 रुपए की चीज, अगर तूने इसकी एफडी करा दी होती 6 साल पहले तो आज कम से कम 15,000 बन गए होते। पर नहीं, हम एक बैग ले लेंगे जिसपे ऑयलिंग करते रहेंगे और इसको कभी यार तुम कहीं लेके तो जाते नहीं, कहाँ लेके जाओ, कहाँ लेके जाऊँ मैं तो, कुछ 6 साल से कहीं नहीं लेके गया मैं। कितने टाइम से हम कहीं गए हैं, कितने टाइम से, जिस यार आराम से उसकी शेप खराब हो जाएगी, इतना भारी लोहा है। हाँ बहुत हैवी है। जिस साल हम वेकेशन पे गए थे उसके बाद हम 5 वेकेशन पे जा चुके हैं, तब क्यों नहीं लेके गए है यार। ये वॉलेट है ना तो इसको ऐसे, इसका मतलब वर्थ इट नहीं है। नहीं मतलब इसको ऐसे मार्केट वार्केट में कैरी करने के लिए, देखा तो माशे के मुंह पे इतना बड़ा कट लगा हुआ था क्योंकि इसके नेल्स, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या ही होता रहता है, हमें भी काटने याद देते हैं, हमारी गलती है। और 2:30 बजे उठ के मैंने इसके एक हाथ के नेल्स काटे, दूसरे के काटने नहीं दे रहा था, सोते सोते बिच्चू नहीं, और रूम में इतना बड़ा कॉकरोच आ गया कहीं से। फिर मैंने रात को 2:30 बजे विभव को उठाया और उसने कॉकरोच कहना कैसा एक्सपीरियंस है कॉकरोच मारने, तो मैं आधी नींद में दिख ही नहीं रहा था, इधर उधर चप्पल बजाए जा रहा हूँ। हाँ अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई ये उठना जाए जरा जरा आवाज। रात को मैंने इसको उठाया, पहले मेरे को लगा उठाऊँ नहीं उठाऊँ, मेरे को लगा मैं मार तो नहीं, इतना बड़ा कॉकरोच तो है और ऐसे भोगे भगे भगे जा रहा, पहले मुझे लगा प्याज का छिलका उड़ रहा है, मुझे लगा कमरे में कहाँ से आएगा प्याज का छिलका। फिर ये चप्पल लेके उठा उसको मारने के लिए, मेरे को लगा ये आधी उठ जाएगा, मैं इसके ऐसे कान पकड़ के बैठी हूँ इसको आवाज आ जाए और ये फिर जाके इसको मार, नीचे नहीं आ रहा। हाँ वो भी उसको इधर मार रहा है इधर मार रहा है, पर करना पड़ा क्या करें, वरना ऐसे तो रात को उड़ के हमारे ऊपर ही ना आ जाए। मैं बाहर इसकी बॉटल बनाने आई थी, मैंने देखा ये अंदर क्या कर रही है, अभी दिखाती हूँ क्या हो रहा है। मंकी हो आप मंकी हो क्या? हाँ क्या हो रही है, खेल रहे हम। हाँ क्या खेल रहे हैं तुम, इसको कंधे बिठाओगे और तू बार अरे छी आती नू छी 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 ऐसे नहीं कहते, गंदी होती है। लगी मैं बेटे ओए ओए इधर तो देखो, अच्छा आदि क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, भूख लगी है बहुत तेज, फिर से उल्टी पुलटी क्यों कर देते हो आप। सो गया तो हम डेट मार रहे हैं, और हमारी डेट में आजकल पता क्या होता है, हम टीवी देखते हुए खाना खा सकते हैं दोनों साथ में और तो हम आइसक्रीम खाते हैं। आजकल हमारी ये डेट होती है कि हम साथ में खाना खा पा रहे हैं टीवी देखते हुए, तो फटाफट से डेट निपटा लेते हैं, इससे पहले आधी उठ जाए। आधी बहुत देर से नेल्स नहीं काटने दे रहा है क्योंकि ये सो ही नहीं रहा है, ये सोए तो मैं नेल्स काटूँ ना, तो हमने सोचा है इसको ऐसे बुद्धू बना के बैठाने के बहाने हम इसके नेल्स काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसने मुझे बुरी तरह से नोच दिया, मतलब निशान पड़ गया मुझे इस बेचारे की फेस की क्या गलती है, इसका तो जो फेस रात को नोचा सो नोचा, मुझे भी नोच दिया जिसने। नहीं 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 ओए कितना सुंदर नेल करते हैं, इसमें तो लाइट चलती है बेबी, नहीं लाइट लाइट हुई, अरे वाह इतने बड़े नेल्स है ना, नेल आर्ट हो जाता तुम्हारे हाथ में पता है, आज एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है बेबी को, तो सीधा नेल आर्ट बहुत सुंदर सा नेल आर्ट हो जाएगा इस पे तो बच्चू। हाँ तुम कैमरे की तरफ देखो, हम कैमरे की तरफ, हम वीडियो ही बना रहे हैं, हम नेल्स थोड़ी काट रहे हैं, हम वीडियो ही बना रहे हैं, हम सही जगह देख रहे हो बेबी, बिल्कुल सही जगह देख रहे हो, मम्मा गलत जगह देख रही है। ओए होए अरे वाह अरे वाह। आंटी को बोला था दाल मखनी खिला दो आज, ये दाल मखनी, दाल मखनी नहीं बीमार मखनी बनाई है इसने, क्या कहना है आपका इसमें। लोग खाते हैं माँ की दाल, हम खा रहे हैं जेल की दाल। देखना क्या बना, दाल का पानी बनाया है आंटी ने, दाल का पानी, पता नहीं क्या बना के चली गई आज, मैं इतने शौक से कहा था दाल मखनी खाएंगे आज, घर की दाल मखनी। ये आदि का टॉय, ये इसका फेवरेट टॉय है, फाइनली हमारे लड़के को नहीं, फाइनली हमारे लड़के को कोई टॉय पसंद आया, तो कोई टॉय पसंद नहीं आता है ना, पर इसको इस पर इतना मजा आता है मुँह ही नहीं उठाते ये, और फिर से भी उल्टी कर देता है कूद कूद के। आदि उल्टी नहीं करनी है आज,
बहुत अच्छी दाल मखनी और रोटी खाने के बाद हमने मंगा लिया बाहर से खाना, क्योंकि हमारा पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि खाना अच्छा नहीं था। मैं खा रही राज कचौड़ी और वह हमने चलाया बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग हो ना कि छोले भटूरे के साथ ना एक्स्ट्रा छोले का ऑप्शन आता है होम स्वीट्स पे, तो इसने सिर्फ एक्स्ट्रा छोले मंगा लिया, छोले भटूरे नहीं मंगाए और पराठा घर पे बना के खा रहा है। ज़्यादा दिमाग चलाया। और ये प्याज भी आया साथ में, उन्होंने छोले भटूरे वाले प्याज और वो भी भेज दिया है। 40 रुपये में तुमने काफ़ी कुछ ले लिया। नहीं गुड मॉर्निंग, आज है संडे, कल का दिन तो ऐसे निपट गया। और हुआ क्या, रात को 4 बजे के पास ऑफिस से कॉल आ गया, तो बेचारा 4 बजे से जाग रहा था 5:30-6 बजे तक, फिर उसको नींद नहीं आई तो वो सो नहीं पाया। अभी भी ऐसी हालत हो रही है घर में, गर्मी कितनी है यार। ये देखो क्या हो गया, ये दिख रहा है रेड रेड। मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बाहर निकली थी और मुझे सनबर्न हो गया इतनी ही देर में। तो भैया इतनी गर्मी है और हमारा टॉप फ्लोर है तो और ज़्यादा गर्मी रहती है। तो अब वैभव बेचारा, उसको नींद भी ले नहीं पाया, बट अभी वो लेने गया है। वो ग्रीन वाले क्या आते हैं, कुछ ऐसे मैट से नहीं आते जैसे छत पे लगा देते हैं तो फिर थोड़ी धूप कम आती है, वो लेने गया है। लोग कह रहे हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, गर्मी कम हो जाती है। अभी जैसे रूम से बाहर जाओ तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसे इवेपोरेट हो जाएंगे, ये वाली फीलिंग हो रखी है। ऊपर तो आदि जी स्कूटर चला जा रहा है भर भर। इसको इसने नया ये सीखा है और कल से भी थोड़ा ना खांस खांस रहा है, मतलब घर के अंदर ऐसे लग रहा है लू चल रही हो, इतनी बुरी हालत हो रही है, नहीं निकल पा रहे रूम से बाहर। बाहर कपड़े सुखाने में ऐसा लग रहा है कैसे जाऊँ, मर जाऊँगी, तो बड़ी दुविधा में हूँ। अब इसको छोड़ के तो ऐसे ही नहीं जा सकते है ना, नहीं जा सकते ना तुम्हें छोड़ के, नहीं जा सकते ना। देखो देखो तो चाहिए, देखो तो चाहिए। या किसी को एजेंसी या फिर ऐसा कोई पता है क्या जहाँ से बेबी सिटर मिल सके, कि हमने बहुत सारे ट्राई कर लिए ढूंढ के हमें कहीं मिल नहीं पा रहा। हमें इस छोटे से बच्चों के लिए बेबी सीटर चाहिए क्योंकि मेरा ऑफिस शुरू होने वाला है और कोई इसको देखने के लिए चाहिए साथ में। एक तो वैसे ही वो गिल्ट कि कैसे दे दो किसी को संभालने को बच्चा, ऊपर से मिल नहीं रहा। मुझे लग रहा है मेरी एनर्जी ही नहीं निकल पा रही है पॉजिटिव ना, कि इसलिए नहीं मिल रहा होगा क्योंकि मैं पूरी एनर्जी से शायद बोल नहीं पा रही कि मेरे को दे दो। बट चाहिए तो है ही बेबी, क्या कर रहे हो, चाहिए तो है ही क्योंकि क्या कर सकते हैं। तुम क्या कह रहे हो, ये तो वैसा सीन है, बड़ा गिल्ट आता है यार सच में। मॉम गिल्ट क्या होता है मैं समझ पा रही हूँ, बड़ा मुश्किल है, दिमाग तैयार नहीं हो पा रहा, बट करना है वो वाली सिचुएशन है। और इस छोटू शू को कौन देखेगा, और मेरे को समझ नहीं आ रहा। विभव का तो ऑलरेडी बहुत हेक्टिक रहता है तो वो तो वैसे ही बेचारा कुछ दिन में इसको बिल्कुल ही नहीं देख पाता है, इससे मिलना भी मुश्किल हो जाता है उसका, तो पता नहीं कैसे होगा। पर कोई एजेंसी या कुछ भी हेल्प जहाँ से मिल सकती हो अच्छी, वो किसी को पता हो तो नीचे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। हेल्प हेल्प हेल्प, नीड सम हेल्प। आदि की लीची जी आई है, देखो क्या है। अभी तो बहुत गर्मी है, कुछ नहीं करेगा बेबी, बेड पे छोएगा पैर ऊपर करके, पैर थक जाएंगे नीचे कर लो। कैसे करते हैं बच्चे देखो, दिस इज हाउ आई गो फॉर सुसु, अपनी चिड़िया को कैद करके पिंजरे में। वो भी आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं जा सकते हो, वरना गिरने का खूब डर रहता है ना आदि, गिरने का डर रहता है ना खूब, अंदर से आवाज़ें मारती रहनी पड़ती है आदि आदि आदि, इसको बताने के लिए कि जिंदा इंसान इसके आसपास घूम रहा है, सब ठीक है ना। नहीं जाने देते ना वॉशरूम भी, नहीं जाने देते हो आप तो। ओ ए वीकेंड्स भाई इतने ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, विभव की अलग लगी पड़ते हैं। वो बताया था ना गर्मी बहुत हो रही है, वो ऐसे छत पे लगाने के लिए वो ग्रीन वाली चादर सी लेने गए थे। और अभी शाम के क्या बज रहे हैं, 7:15 बज रहे हैं। अब वो बेचारे वो लोग लगाने गए हैं ऊपर, गर्मी ने क्या हालत ख़राब की हुई है। और इन महाशय को कभी यहाँ बोरियत होती है, कभी वहाँ बोरियत होती है ना, फिर हम रोने लग जाते हैं बहुत तेज 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 तेज, फिर हम वॉमिट कर देते हैं क्योंकि हम बहुत तेज रो रहे होते हैं ना।
तो वीकेंड की ऐसी हालत हो जाती है, कुछ करने अपने लिए कुछ करने वो बचता ही नहीं है। मैंने बैग्स बताए थे ना ऑयलिंग करी है, आधे जो कल किए थे वो किए थे और वो भी बाहर से डाइनिंग पे रखे हुए हैं, और बाकी करने का मौका ही नहीं मिला है, ना ही उनको अंदर रखने का मौका मिला है। मेरे लिस्ट में ना 21 पॉइंटर्स थे। आजकल हम क्या करते हैं, ऐसे कॉपी पर लिस्ट बना लेते हैं लिख के कि हमें वीकेंड पे या किसी भी ड्यूरेशन में क्या काम करना है, मोस्टली वीकेंड पे। उसमें 21 पॉइंटर्स थे जो मेन थे, उसके अलावा जो हमने काम किए वो उसमें लिखे भी नहीं हुए थे, और वो 21 हो नहीं पाए, उसमें से 4-5 ही हो पाए हैं। ये देखो ये शरीफ दिखने वाला बच्चा, बहुत शरीफ दिख रहे हो आप, हैं बहुत शरीफ, कौन कूगे बेबी, तो इतनी शराफत नहीं अच्छी लग रही बेबी, इतनी शराफत नहीं अच्छी लग रही है, इतने शरीफ। ये भोले चेहरे के पीछे शैतान छुपा है, जो रो रो के तुम्हें पूरे घर में गर्मी में दौड़ाता है। तुम्हें गर्मी नहीं लगती? गर्मी इसको खूब लगती है और बहुत रोता है, पता है, गर्मी में बाहर जाएगा गर्मी लगेगी रोएगा, और अंदर हमें बैठना नहीं है, है ना? अच्छे करते हम, मैं तुम्हारी शिकायत लगा रही थी क्या? फिर आप क्यों करते हो ऐसे, बताओ क्यों करते हो? जनता जवाब मांग रही है बेबी। नहीं बताओगे? ओए ये देखो कितनी तेज़ नोचा है इसने अपने नोज़ पे, क्या करा आपने बताओ, अपने कान के बारे में बताएं, अपने नाक कैसे नोचा बेबी, रात को 2 बजे कैसे नोचा था? फिर तुम ओयो ही करने लग गए थे ना बहुत तेज, कितनी तेज बताओ, तुम रात को सोते भी नहीं हो, बताओ। कोई हमें लाइट पसंद आ गया, हम बस लाइट देखेंगे, हम विभव का इंतज़ार करेंगे, सब्जी बनते हुए तो दीदी को बोलो दीदी कुछ भी बना दो यार, कुछ भी बना दो। कह रही क्या बनाऊँ, जब मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं बोलती हूँ आलू सोयाबीन बना दो, क्योंकि आलू हमेशा होते हैं, सोयाबीन हमेशा होती है, सब्जी जब मौका मिलता है हम ले आते हैं। फाइनली मैं समझ गई आदि का ध्यान कहाँ पर है, ये इतना ज़्यादा कहाँ इन्वॉल्व्ड है, इतनी शांति से। मेरे ना फ़ोन के कवर के पीछे से ग्लास टाइप का इफेक्ट है, तो वो ना छत पे पैटर्न बना रहा है, तो जहाँ जहाँ पैटर्न जा रहे हैं वो उधर उधर देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या नया आ गया हमारे रूम में बेबी, इस चीज़ का ध्यान छत पे ही है, महिला रही तो उधर जा रहा है। मैं विभव से चंपी के रहनी थी, बट एज यूजुअल वी डोंट हैव एनी टाइम चंपी के लिए, और ये लिस्ट से बाहर का काम है तो हम नहीं करेंगे। वैसे वो बहुत काम करे, ऊपर छत पर वो करवा रहा है बताया था ना, तो मैं खुद ही चंपी कर लेती हूँ। चंपी तो क्या ही करूँगी, ऑयल लगा लेती हूँ। पता है मदरहुड का एक बहुत बढ़िया फ़ायदा है, पता है क्या, आपको हेयर कट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यू विल गेट गंजा वेरी वेरी सून। मेरे बाल ऐसे झड़ते हैं, ऐसे निकलते हैं, कॉम्ब करके ऑयल लगा के कुछ कर लो, निकलते ही जाएंगे। तो गंजा होना बिल्कुल तैयार है जल्दी, इसलिए मैं सोचती हूँ ऑयल लगा के रखूँ, एटलीस्ट बाल कम ड्राई होंगे तो शायद कम टूटे। और कोई हेयर ट्रीटमेंट लेना नहीं था, डॉक्टर मना करते हैं 6 मंथ्स तक, एक और चीज़ कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते आप, केमिकल वाला और ये सब। कितना सही तो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम, बांस बांध के इसको करेंगे ना, हाँ तो ये बिल्कुल ऐसे मतलब टेंट जैसा लगेगा, नहीं देखेगा अभी आड़ा नहीं, ऐसे ऐसे करके बांध देंगे ना, यहाँ बांस लगाएंगे, यहाँ से यहाँ बांस बांध देंगे, और यहाँ से पूरे जाल यहाँ से एकदम उधर को बांध। अच्छा विभव एक सवाल, हाँ जी, आज घर में कोई सब्जी नहीं थी ना, हाँ तो मैंने क्या बनवाया होगा, मूंगी की सब्जी नहीं, क्या बनवाती हो, कुछ नहीं होता तो घर में, आलू मटर चावल, मुझे लगा था पहली बार में पकड़ोगी, गलत है, ये भी गलत है, रुक जा सोचने दे, दाल यार बेबा मैंने बोला था ना हमेशा वही बनवा देती हूँ, अच्छा चल ठीक पुलाव जाओ, तुम्हें रोटी मिलेगी नहीं आज, अब भी गलत बोला था, सोयाबीन चावल ही रोटी, अच्छा और नीचे जा रहे हम आज संडे रात को, मेरे को लगा था पहली बार में पकड़ लोगे, तुमने 4 ऑप्शन दे दिए, चल आलू तक तो तुम पहुंच ही गए थे। मोटे होने के रीजंस, आइसक्रीम 1, 2, 3 फोर्थ केक, क्या खाना चाहिए मैं आज, मैं कोई दो खाऊंगा, एक मिलेगा, अच्छे खोलते हैं, ये दीदी ने भेजी थी वो है, चलो लेट्स एंड द व्लॉग ऑन अ स्वीटर नोट, सारे केक खा जाएंगे हम आज, हाँ छोटा ही खाया जाएगा, ये बस पेट बड़े हैं बाकी सब छोटा है खाने का, चलो यार गुड नाइट बाय।